अलूना का अनिल महीब और ए इस्लाम आपसे पूछते हैं औरतों के हैज के बारे में कुल हुआ आदा फरमा दीजिए है तो वह तकलीफ की चीज है औरत के लिए एक तकलीफ तो है एक उसे हर महीने में आलमोस्ट सात दिन के लिए इस तकलीफ से गुजरना पड़ता है अगरचे उसमें अल्लाह ने रिलैक्स भी कर दिया कि जो सही बुखारी मुस्लिम में आता है कि नबी सल्ला वसम अब मायशा कहती हैं मैं हज़ है की हालत में छूटी हुई नमाजों की कज़ा का हुई नहीं देते थे सिर्फ़ रोज़ों की कज़ा का हुम देते थे तो नमाजें तो माफ़ कर दी गई हैं लेकिन रोज़े छूटेंगे तो वह अदा करना है लेकिन बाकी उस जो तकलीफ से गुजरना है ज़ाहिर है अपनी सफ़ाई सुथराई का एहतमाम करना है ये एक तकलीफ़ की चीज़ तो है तो फातज़ीन फिल्म महीद पस औरतों से अलग रहो हैज की हालत में अब ये अलग रहने की जो तशरी है ना वो कुरान के अंदर नहीं है वो बुखारी और मुस्लिम के अंदर है हल्का सा जिक्र आ गया इसमें साथ वाला तबू हन्न हता हन और उनसे कुर्बत ना करो यहां तक कि वो पाक ना हो जाए लेकिन इस कुर्बत से मुराद इंटरकोर्स है बाकी कुर्बत अलाउ की गई है जो बुखारी मुस्लिम में हदीस है मैं वो हदीस इसके साथ ही आगे बयान कर देता हूं ये अगला भी इसका हिस्सा पढ़ लेते हैं फाइदा तब हर नाफा तू हा मिन है जब वो पाक हो जाए तो फिर तुम उनके साथ सोहबत कर सकते हो वहां से जहां से अल्लाह ने तुम्हें हुक्म दिया है तो पाकि के बाद मिया बीवी ताल्लुक कायम कर सकते हैं इस दवाजी ताल्लुक उससे पहले नहीं कर सकते और ये जो लफ्ज है ना कि औरतों के करीब नहीं जाना तो इस करीब ना जाने की तशरी इस आयत में यही है कि इससे मुराद इंटर कोर्स नहीं करना वैसे करीब जा सकते हैं लेकिन कुरान में दोनों तरफ मतलब जा सकता है कि वैसे करीब जाना भी मना है और इंटर कोर्स भदरज उला मना है भदरज औला मना है तो बुखारी मुस्लिम जब आप खोलेंगे तो वो महातुलमिन कहती हैं कि हम में से जब कोई हैज़ की हालत में होता तो नबी नबीलाम हमें हुक्म देते कि हम अपने आज़ार बंद मजबूती से बांध लें और बाकी जिसम के साथ नबी नबीलाम मुबाशरत फरमाया करते थे वो जो मुनकरन हदीस वो हदीस ठाते हैं जी बुखारी में लिखा हुआ है बुखारी कुरान के ख़िलाफ़ है कि हज़रत आयशा कहती हैं कि नबी आ इस्सम की हालत में भी हमसे मुबाशरत करते थे तो सर ये हदीस का तो एक तरीक़ है ना जो दूसरी हदीस है बुखारी मुस्लिम में जिसमें आयशा ने सलमा ने उसकी डिटेल बताई है कि मुबाशरत से मुराद सोहबत थी इंटर कोर्स नहीं था और वो हमें हुक्म देते थे कि हम लंगोट बांध लें मजबूती के साथ बाकी जिसम के साथ मुबाशरत करते थे तो इसमें यानी एक मर्द को इजाजत दे दी गई कि वो ताल्लुक कायम कर सकता है इंटर कोर्स के बगैर ये एक आसानी दे दी गई ज़ाहिर वो सात दिन का पीरियड है प्लस ये भी एक फाहम दे दिया गया जो सही मुस्लिम में आता है कि यहूदियों के, के हां ये चीज यानी इस्टेब्लिश थी कि औरत जब नापाक हो जाएगी ना तो आपने उसको बिस्तरे से भी अलग कर देना जिस तरह हमारे यहाँ पर भी पंजाब के कल्चर में बाज़ बेवकूफ़ लोग हैं वो कहते हैं औरत औरत आटा नहीं गूँध सकती औरत जो है वो बच्चे को दूध नहीं पिला सकती वो हंडियाँ नहीं पका सकती और पता नहीं क्या कुछ करते हैं पता नहीं क्या नजस हो जाती है वो ऐसा नहीं है इस्लाम ने इसको कंडेम किया हती कि बुखारी मुस्लिम हदीस एम मायशा कहती हैं कि नबी इलास्म एहतिकाफ़ की हालत में मस्जिद में होते थे तो आप जब मुझे यानी अपना बिस्तर या कोई इस तरह कपड़े देते थे तो मैं हैज़ की हालत में धो के आपको वापस कर दिया करती थी सही मुस्लिम में आता है कि इस्लाम इतकब में थे तो इस्लाम ने मस्जिद नबी की खिड़की से मुझे कहा कि मेरा वो बिस्तर पकड़ा दो तो मायशा ने कहा मैं तो हैज से आफर मैं हैज़ तेरे हाथों में घुस गया ये तो कोई भी नहीं है तो हुक्म निजाजत है हकीकी नि तो नहीं है हती कि बुखारी मुस्लिम में आता है वो महातुलमोन कहती हैं कि नबी इलासलाम हम हैज़ की हालत में होते थे और नबी इस्लाम अपना सर मुबारक हमारी गोद में रख के कुरान पढ़ा करते थे तो यानी कुरान नहीं गोद में रखा होता था सर रखा होता था कुरान यानी जुबान ही पढ़ रहे होते थे ये बताने के लिए कि औरत फिज़िकली नापाक नहीं है ये हुक्मन नापाक है बाकी वो खून तो नापाक है जो निकलता है वो वाला खून नापाक है याद रखिएगा आम खून का हुक्म अलादा है उसमें गालिब यही है कि आम खून जो है वो पाक है मेरे इस पर क्लिप्स हैं लेकिन जो हैज वाला खून है ना वो बुखारी मुस्लिम में है कि वो तो आपने धोना है वो नापाक है तो नबील इस्लाम ये हत्ता के सही बुखारी मुस्लिम में आता है मायशा कहती हैं कि मैं खाना खाती थी ना अगर मैंने बोटी आदि खा के छोड़ी है ना हैज़ की हालत में तो हुज़ूर को पकड़ाई है तो आप उसी जगह से मुँह लगाते थे जहाँ से मैंने खाई होती थी ये मैसेज देने के लिए कोई नापाक नहीं हो तुम यहाँ लोग इतने जल हैं कि जुनबी होते हैं तो वो कहते हैं तोलिए को हाथ लगाए आप तोलिए नापाक होगी तोलिए तब नापाक होगा जब आपके जिसम की निजासत तोलिए को टच करेगी आप नापाक नहीं है वो हुक्म ही है कि आपको इंटेलेक्चुअली आप नापाक हैं फिजिकली नापाक नहीं है टेंजेबल आप नापाक नहीं है नॉन टेंजेबल है जो बुखारी मुस्लिम में आता है कि सैयद अबू हुरैरा कहते हैं मैं घर से बाहर निकला तो नबी इलास््लाम के साथ चलना शुरू हुआ तो थोड़ी देर बाद मुझे याद आया मेरे पे तो गुसल फर्ज है जुनबी था मैं मैं चुप करके खिसका चला गया गुसल करके वापस आया तो नबीम फिर फरमाया ये तुम किधर चले गए थे अचानक बताए बगैर तो कहसोल्ला मैं नापाक था तो आफर मैं मोमिन तो कभी नापाक नहीं होता मोमिन तो पाक ही रहता है तो यानी ये हुक्मन निजासत है हुक्मन तो इस लेवल की है कि आप गुसल भी कर लें मुझे बताएं क्या आप बगैर वजू के नमाज़ पढ़ सकते हैं तो नमाज के एतबार से बेवज़ू बंदा भी नापाक है लेकिन वैसे आप मस्जिद में बैठे तो इसलिए कहा जाता है कि हुक्मी निजास्तें हैं निजास्त की दो किस्में हैं एक हुक्मी एक हकीकी, हकीकी है पेशाब है मनी है मजी है हैज़ का खून है ये हकीकी हैं, फिजिकली लगेंगी ना पाकी हो जाएगी एक हुक्म है कि आप कुछ भी नहीं बजायर लेकिन शरीयत के हुक्म के अतबार से आप जुन भी हैं तो नमाज नहीं पढ़ सकते आप जब तक गुसल ना उतार ले और नबी इस्सलम डिले भी कर लेते थे गूसले जनाबत जामत तिरमजी में आता है कि नबी इस्लाम गुसले जनाबत कभी रात के अव्वल पैर में करते थे और कभी आखिरी पैर में करते थे दीन में अल्लाह ने आसानी रखी हुई है तो ये हैज वाला मामला भी उस मिथ को तोड़ा गया कि अल्लाह के, अल्ला के बंदो ये औरतों के साथ मामला ऐसा नहीं है कि वो कोई उनको आपने बिस्रे से अलग करके तो दूसरी जगह जाके सोना है मुराद ये कि सिर्फ़ वो नमाज के अतबार से शरी अकाम के अतबार से है मामला उनके साथ बाक़ी वो नापाक नहीं है नबी इस्लाम ने फिजिकली हती कि सही मुस्लिम में एक हदीस है मायशा कहती हैं कि मैं हैज़ की हालत में कटोरे से जब पानी जब पीती थी ना तो हजूर को देती थी तो जिस जगह मैंने मुंह लगाया होता था आप एग्जैक्ट उस जगह मुंह लगा के पिया करते थे ये मैसेज देने के लिए कि औरत नापाक नहीं होती ये है जनाब औरतों के हकूक जिन्होंने औरतों को कमोडिटी बना के पेश किया और आज हमारे यहाँ पर लोग समझते हैं कि यूरोप में औरत को इज्जत दी जा रही है सर सिक्सटी सेवन परसेंट औरतें हैं मुसलमान होने वाली थर्टी थ्री परसेंट मर्द हैं जो ये नॉन मुस्लिम मुसलमान हो रहे हैं ना हर सौ में से सिक्सटी सेवन औरत मुसलमान होती है थर्टी थ्री मर्द मुसलमान होता है क्योंकि वो सिक्योरिटी फील करते हैं और सबसे ज़्यादा उनके लिए सिक्योरिटी ये है कि मुसलमानों के मर्द अपनी औरतों के साथ मुखलिस होते हैं और ये पर्दे की वजह से हम सिक्योरिटी फील करते हैं अब तो खैर पर्दे के बहाने में पर्दे में भी कभी बोलूंगा कि आप तो औरतों के लिए पर्दे का बहाना ये कोरोना ने हाल ही कर दिया है चुप करके जनाब लाओ जिन्हों शर्म आमदी सी ना पर्दा करने तू चलो ऊड़ो जड़ा है कोरोने तो शर्मा के कर ले ठीक है तो कम अज कम स्वाब मिले या ना मिले कम अज कम हराम से तो वो जाएगी औरत इन अल्लाहिब्वाबीना हिब्बुल मुतान बेशक अल्लाह ताला तौबा करने वालों को भी पसंद करता है और साफ सुथरे रहने वालों को भी पसंद करता है तो इस आयत पे खैर डिटेल गुफ्तु हो सकती है साफ़ सुथरे रहने वाले इस कॉन्टेक्स्ट में अहदीस भी मौजूद है कि अंसार मदीना के अंदर एक खूबी पाई जाती थी कि वो यानी मट्टी के साथ स्तंजा करने के बाद फिर पानी से भी स्तंजा किया करते थे तो उस कॉन्टेक्स्ट में यह आयत नाजिल हुई कि यह ज़्यादा पाकिजगी का ख्याल रखने वाले वैसे तो मट्टी भी पाक कर देती है लेकिन इस चीज़ को पसंद किया गया कि कोई शख्स मट्टी इस्तेमाल करने के बाद या टिशू इस्तेमाल करने के बाद पानी से भी तहारत हासिल करे क्योंकि पानी से तहारत परफेक्ट हासिल होती है एज़ कम्पेयर टू मिट्टी के और बाकी चीज़ों के और अगर कोई सिर्फ पानी इस्तेमाल करता है तो उसके लिए मिट्टी इस्तेमाल करना ज़रूरी नहीं है ना टिशू इस्तेमाल करना ज़रूरी है पानी खुद खुद सारी सफाई कर देता है